नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको पार्ट टू में हाथ बनाना सिखाऊंगी। ये एक हाथ मैंने बना लिया, दूसरा हाथ में आपको कैसे बनाना है वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो हमने सबसे पहले ये निकाल लेनी है, पिन निकाल लेनी है। अब इसमें से हमने एक एक करके फंदे इस वाली सिलाई में उतार लेने हैं। इस तरीके से हम उतार लेते हैं, फंदे कोई भी छोड़ने नहीं है, सारे फंदे हमने सिलाई में उतार लेने हैं। इस तरीके से उतारने हैं। ये सारे फंदे मैंने इसमें उतार लिए हैं। अब हमने ब्लू कलर के धागे से चार सिलाई बनानी है ब्लू कलर के धागे से। तो हम ब्लू कलर का धागा लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले सुलटी सिलाई बनानी है। यहाँ पे 33 फंदे हैं, 33 फंदे हैं, तो हम सुलटी बिनाई करते हैं यहाँ पे। इस तरीके से हम सुलटी बिनाई करेंगे। हमने तागा इस तरीके से लगाना है, यहाँ पे जॉइंट करना है। इस तरीके से हमने चार सिलाई ब्लू कलर के तागे से बनानी है। इस तरीके से सुलटी बिनाई करनी है। अभी हम दोनों तागे को ले लेंगे, दूसरा तागा भी छोटा सा हमने बाद में नीचे पाना होगा। तो इस तरीके से हम सुलटी बिनाई चार सिलाई ब्लू कलर के तागे से बना लेते हैं। सारे फंदे सेम इसी तरीके से बिनने हैं। एक सिलाई सुलटी बनानी है, एक उल्टी। ये मैं सुलटी सिलाई बिन रही हूँ। ये सुलटी सिलाई मैंने बना ली, अब हम बनाएंगे उल्टी सिलाई। उल्टी साइड में हम उल्टी बिनाई करेंगे। इस तरीके से करते हैं हम उल्टी बिनाई। इस तरीके से हमने सारे फंदे बिन लेने हैं। उल्टी बिनाई बोलते हैं इसको, एक सिलाई सुलटी एक उल्टी बनानी है। तो हम ये पूरी सिलाई उल्टी बना लेते हैं। ये मैंने उल्टी सिलाई भी कंप्लीट कर ली। अभी हमने दो सिलाई ब्लू कलर के धागे से एक सुलटी एक उल्टी सिलाई बनानी है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये ब्लू कंप्लीट होने के बाद चार सिलाई हमने पिंक कलर के धागे से बनानी है। एक सुलटी एक उल्टी, एक सुलटी एक उल्टी, सेम उसी तरीके से फिर ब्लू कलर के धागे से बनानी है। फिर हमने चार सिलाई फिर पिंक कलर के धागे से बनानी है। ये मैंने बना ली है और यहाँ पे मैंने लास्ट में पांच सिलाइयाँ बनाई हैं, एक उल्टी एक सुलटी। अब हम यहाँ पे एक फंदा हम बिनेंगे, फिर दो फंदे हम एक साथ बिन लेंगे। यहाँ पे फंदे हम दो फंदे कम कर लेंगे, एक कम हो गया, एक और हम दो फंदे एक साथ बिन लेंगे। दो फंदे यहाँ पे कम हो गए और लास्ट में भी इसी सिलाई में हमने दो फंदे कम करने, यहाँ पे चार फंदे कम कर लेंगे और हम एक एक फंदा ऐसे बिनेंगे। अब हम यहाँ ब्लू कलर से यहाँ तक सवा दो इंच तक हम एक सुलटा एक उल्टा बनाएंगे और फिर ये चार आठ सिलाइयाँ पट्टी की बनाएंगे। आधा इंच हम पट्टी बनाएंगे। ये मैंने बना लिया है। अब हम यहाँ पे एक फंदा ऐसे लेंगे, फिर दो फंदे फिर से हमने एक साथ बिनने हैं, दो फंदे इस तरीके से। अब हमने सभी फंदे एक एक ही बिनने हैं और लास्ट में तीन फंदे छोड़ने हैं। फिर लास्ट में तीन फंदे छोड़ लिए मैंने, फिर से हमने दो फंदे एक साथ बिनने हैं इस तरीके से।
एक फंदा कम हो जाएगा यहाँ भी, एक आगे कम किया मैंने, यहाँ एक यहाँ पे करना है, फिर लास्ट का फंदा एक ऐसे ही बिन लेना है। फिर हमने अब पट्टी बनानी है, ये तो हमने 8 सलाइयाँ उल्टी उल्टी ही बिननी है, पट्टी की उल्टी उल्टी ही बनानी है सलाइयाँ 8, इस तरीके से उल्टी सलाई बिननी है, इस तरीके से 8 सलाई उल्टी उल्टी ही बिननी है। ये मैंने कंप्लीट कर लिया, पट्टी बना ली। अब फंदे बंद कैसे करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। दो फंदे हमने एक साथ बिनने हैं, ये दो इस तरीके से बिन लेने हैं। फिर जो ये फंदा है इसको इसी के अंदर डालना है, फिर से हमने दो फंदे फिर इसी तरीके से बिन लेने हैं। फिर एक फंदा बचा, फिर इसी में डालना है, फिर दो फंदे एक साथ बिन लेने हैं। ऐसे ही हमने सारे फंदे बंद कर लेने हैं। ये मैंने बंद कर लिया। अब ये थोड़ा बड़ा काट लेंगे हम सिलने के लिए भी, तो मैंने इतना बड़ा धागा कट कर लिया। अब इस धागे को ऐसे खींच लेंगे। अब मैं आपको सिलना बताऊंगी कि ये सिलना कैसे है करके। ये मैंने सुई में धागा डाल लिया है, तो मैं अब आपको सिलना बताऊंगी। ये मैं हाथ सिल ली हूँ पहले, तो हमने सिलना है ये और यहाँ से लेना है। हमने एक यहाँ से लेना है और ये यहाँ से उठाना है, इस तरीके से सिलना है हमने ये। इस तरीके से हमने सिलते हुए जाना है, और पिंक कलर के तागे में ही सिलना है हमने। ब्लू कलर का हम ब्लू कलर के तागे से सिलेंगे। ये जाली के यहाँ भी हमने ऐसे सिल लेना है, ये यहाँ से लेना है और यहाँ से उठाना है, इस तरीके से हमने यहाँ पे भी सिल लेना है ये। अब हमने यहाँ पे एक गांठ लगा के तागा छिपा लेना है, और ब्लू कलर का ब्लू कलर के तागे से सिलेंगे, और सेम उसी तरीके से ये वाला हाथ भी सिलना है। अब मैं आपको बटन लगाना सिखाऊंगी, तो हम बटन इधर साइड लगाएंगे। यहाँ पे मैंने बटन के होल बना रखे हैं इधर इधर साइड, तो हम यहाँ पे लगाएंगे बटन, आगे साइड निकालेंगे ये। इसको इसके अंदर इस तरीके से निकालना है, और फिर यहाँ इधर साइड ऐसे निकाल लेना है, और पीछे हमने ऐसे गांठ लगा लेनी है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर सारे बटन लगा लेने हैं इतनी इतनी दूरी पे। थैंक यू, ये बन के कंप्लीट हो गया है।